अटेस्टेशन लेटर को लेकर स्टूडेंट और पेरेंट्स बहुत परेशान है कि कहाँ अप्लाई करें, क्या फीस होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, क्या इसका प्रोसीजर है, तो आप टेंशन ना लें। हाय, मैं हूं डॉक्टर शबनम, एमडी ऑफ शिक्षा में आपके अपने स्टडी काउंसलर। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अटेस्टेशन लेटर के लिए कुछ बच्चों को मेल आ गया है। ब्रिटिश कोलंबिया एंड अल्बर्टा के एक स्टूडेंट को मेल आया है कि वो अपना फॉर्म फिलअप करके भेजे। तो जो बच्चों ने भी अपने स्टडी के लिए अप्लाई किया हुआ है, कॉलेज प्रोविंस उनको, उनके कॉलेजेस, उनकी यूनिवर्सिटी खुद मेल करेंगे, एक फॉर्म आपको सेंड किया जाएगा, फॉर्म फिलअप करके आपको भरना है और वहां पर आपको उनको मेल करना है। इसके अलावा उसकी कोई फीस अभी नहीं है। और हाँ, अगर मैं अटेस्टेशन लेटर की बात करूं तो कुछ प्रोविंस ने अभी ये फाइनलाइज किया है कि वो स्टूडेंट के बिहाफ पे आपका अटेस्टेशन लेटर खुद ही अप्लाई करेंगे अभी फिलहाल कुछ टाइम के लिए। उससे वो आपसे एक फॉर्म फिल करवाएंगे, अप्रूवल लेंगे, डिटेल्स लेंगे और आगे वो प्रोसीजर वो खुद करेंगे, जो भी प्रोविंस में आपने अप्लाई किया है। और इसके लिए एक कौन सा मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो जरूर आप ध्यान से सुनिए। LOA लेटर होना बहुत जरूरी, जो है सॉलिड डॉक्यूमेंट मानकर अटेस्टेशन लेटर अप्लाई किया जाएगा। अगर आपका LOA कब अप्लाई करने के बाद आपको मिलता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एक साल की फीस देने के बाद आपको LOA मिलता है। और लेकिन कुछ जहां पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं प्रोविंस में, डिपेंड ऑन उनकी कंडीशन, कुछ डॉलर यानी कुछ थोड़ी डॉलर देने के बाद भी आपको LOA रिलीज हो सकता है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आने वाले टाइम में अटेस्टेशन लेटर के लिए अगर कुछ फीस रखी जाएगी तो वो भी आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू बाय मेल कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी से आ जाएगी। आप टेंशन ना लें। आप ऐसे ही अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।